नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सतीश भालेराव। आप देख रहे हो मेगा फोटो स्टूडियो फोटोग्राफी चैनल। तो आज की इस वीडियो में फोटोशॉप सीसी का वर्जन में मैं आपको रॉ फोटो एडिटिंग करके दिखाऊंगा। जेपीजी में 100% जब क्वालिटी चाहिए फोटो के लिए, आपके फोटो के लिए, तो आप रॉ पे फोटो खिंचाए तो आपको एकदम बेटर क्वालिटी मिल जाएगी। जेपीजी में उतनी क्वालिटी नहीं मिल पाती है, उतनी रॉ पर अच्छे तरह से क्वालिटी मिल पाती है। तो ये देखिए, मैं अभी ओपन किया ब्राउजर इन ब्रिज में, यानी कि जो फोटोशॉप के साथ में जो ब्रिज आता है वो ब्रिज में ओपन हो गया। ठीक है, 2017 का फोटोशॉप सीसी वर्जन, उसका ब्रिज है 2017 का ही। ठीक है, इसमें ऐसे स्पेस बार दबाया तो ये सारे फोटो जो मैं एडिट करता हूँ ये सारे फेसबुक पे अपलोड रहते हैं। फेसबुक के लिंक पे ही है मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में, तो आ जाके आप मुझे फेसबुक पर ये सारे फोटो देख सकते हो या वो फॉलो भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते। तो मैंने ये पहला एडिटिंग करके रखा था, उसमें रॉ प्रोसेसिंग। तो मैं आपको रिटर्न जाके दिखाता हूँ, और यहाँ से जाके ऐसे कैमरा रॉ डिफॉल्ट, ये ओरिजिनल इमेज है। ठीक है, रॉ फोटो, ये रॉ फोटो में इसे ज़्यादा शार्पनेस नज़र आता है, उसमें कुछ प्रोसेसिंग नहीं किया जाता है, तो इसलिए उसके नॉइज़ घटाना पड़ता है। वैसे भी उसको 200 का ही, 100 का आप ISO लगाए तो इसमें कुछ नॉइज़ नहीं है, तो भी 200% जूम किया है तो थोड़ा सा आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी रॉ प्रोसेसिंग में ये कुछ किया नहीं जाता है। लुमिनस, अगर मैं इसका लुमिनस कम कर देता हूँ तो लगभग 25 के आसपास, 25%, तो ये देखिए एकदम स्मूथ हो गया है। ठीक है, अगर ये आपका स्टूडियो का फोटो हो या ज़्यादा जूम वाला फोटो हो तो इसमें ज़्यादा नज़दीक समझ में आ जाता आपको, लेकिन ये 25% के आसपास उसके जो स्मूथनेस है वो आ जाता है। ठीक है, ये देखिए, इसे कहते हैं ल्यूमिनस। ल्यूमिनस से एकदम शॉर्ट बन जाती है इमेज। ठीक है, चलिए आपको स्टार्ट से दिखाता हूँ मैं। पहले फर्स्ट ये आ जाता है, यहाँ से आप कलर बैलेंस, वाइट बैलेंस ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी वाइट बैलेंस गलत हो गया है तो रॉ प्रोसेसिंग में एकदम राइट बन जाता है। डे लाइट का जो वाइट बैलेंस होता है वो 5200 से लेकर 5600 तक। ठीक है, ये डे लाइट का टेम्परेचर होता है, जैसे जैसे सनलाइट येलो हो जाती है तो वैसे वैसे आपको इधर ब्लू को आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं इसको रख देता हूँ 5500 पर। ठीक है, इतना ये तीन पे क्या होगा, इसमें भी कलर एडजस्टमेंट आप कर सकते हो, लेकिन मैं तो ऑटो पे रख देता हूँ, कुछ टेंशन नहीं। बाकी इमेज बेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर एक्सपोजर है। एक्सपोजर अगर आपका एक स्टॉप अंडर हो गया हो, इतना एक स्टॉप दो स्टॉप ऐसे अंडर हो गए हो, तो भी आप रॉ प्रोसेसिंग में, आपका जब कैमरा हाई लेवल का हो, अगर ये इमेजेस 6D कैमरे की है तो ये डायनेमिक रेंज जो है कैमरे की, ये सबसे हाई लेवल की है, प्रोफेशनल लेवल की है, फुल फ्रेम की, तो ये इमेजेस काफ़ी शार्प नज़र आ रही है। और इसके जो लेंस भी यूज़ किया है वो 70-200 लेंस, 70 mm पे ये फोटो निकाला है, तो बेस्ट क्वालिटी पे इमेजेस है, तो इसलिए इसके डायनेमिक रेंज भी अच्छी है, तो मैं एक स्टॉप इसको लाइट करूँगा। ठीक है, एक स्टॉप मतलब कि 1.00। ठीक है, अभी देखो वाइड करता हूँ। ठीक है, ज़्यादा लाइट हो गई तो कॉन्ट्रास्ट जरा सा, तो मैं इसको कम कर देता हूँ 75 के आसपास। ओके, और हाईलाइट है, जो हाईलाइट भाग है आपका धूप में जब फोटो की जाए सन में, तो ये हाईलाइट ही कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो हाईलाइट कंट्रोल करने के लिए मैं अल्ट्रा प्रेस करके यहाँ से ऐसे वाइट भाग मुझे कितना दिख रहा है हाईलाइट होता है, तो वो उतना मैं कम 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 करते करते 90 तक। ठीक है, यहाँ से शेडोज है, अगर आप सिर्फ शेडोज को हटाना चाहते हो तो ये शेडोज को हटाइए। शेडोज को हटाने की जरूरत नहीं है,
ज़्यादा कुछ शेडोज नहीं है, और यहाँ से वाइट है, और ये वाइट वाइट को इतना ठीक है 45 के आसपास, और यहाँ से ब्लैक है, ओके तो ये हो गई बेसिक प्रोसेसिंग। और यहाँ पर क्लियरिटी, अगर क्लियरिटी बढ़ाना चाहते हो तो क्लियरिटी में भी सिंपल है, कैमरे से अच्छा निकल आए तो क्लियरिटी का कोई मतलब ही नहीं बनता है बढ़ाने का और कम करने का। तो भी मैं इसकी क्लियरिटी इतना कर देता हूँ, और यहाँ पर वाइब्रेंस है, वाइब्रेंस से कलर आ जाएगा ज़्यादा जैसे सेचुरेशन पर है। लेकिन इसकी जो रॉ प्रोसेसिंग की जो सेचुरेशन करना पड़ता है, तो ये बहुत सारा ह्यू सेचुरेशन और लुमिनस यहाँ पे करना पड़ेगा, तो ही आपको अलग अलग जो कलर है, ग्रीन है, येलो है, रेड है या ब्लू है, ये सारे कलर आपको यहाँ से सेचुरेशन में ही को एडजस्ट करके अच्छे मिल जाएंगे, तो वहाँ से ही करेंगे। इसलिए इसका ऑफरेंस 5% और सेचुरेशन 3.5 ठीक है। और भी और प्रोसेसिंग करने के लिए मैं एक इफेक्ट में जाता हूँ, और यहाँ पर जो ग्रेडियंस इफेक्ट लगाते हैं ना साइड साइड में, ये इफेक्ट में आ जाते हैं, तो मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ, सीधा यहाँ पर अमाउंट में एक तरफ ब्लैक को आप कलर ज़्यादा कर सकते हो, और यहाँ पर वाइटनेस बढ़ा सकते हो, डार्कनेस और वाइटनेस है ऐसा, ठीक है। तो मैं इसका डार्कनेस एरिया ट्वेंटी फाइव के आसपास रखूंगा, तो मुझे यहाँ पर ही अच्छा नज़र आ रहा है, ठीक है। 15% 18% पर ठीक है, ओके। इससे और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो येलो इफेक्ट डाला था और यहाँ पर ब्लू इफेक्ट डाला था, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर ग्रेडियंस फिल्टर में जाना पड़ेगा जी, और यहाँ से ऐसे पकड़ के इफेक्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। ये आ गया ग्रीन इफेक्ट, ग्रीन इफेक्ट इसलिए आ गया यहाँ पर जो ग्रेडियंस डाला है, ठीक है, जो ग्रेडियंस डाला है, तो यहाँ से इसका वाइट बैलेंस मैंने चेंज किया है, ठीक है। यहाँ पर एक्सपोजर भी, ये ऑलरेडी जो पहले प्रोसेसिंग किया रहता है उसी से आ जाता है, ठीक है। तो मैं इसे अभी कुछ छेड़छाड़ नहीं करूँगा, और भी एक ग्रेडियंस डाल सकता हूँ अगर मुझे यहाँ से चाहिए, तो मैं यहाँ से ऐसे ग्रेडियंस डाल सकता हूँ, और इसको ऐसे कहाँ पर भी ड्रॉप कर भी सकता हूँ। और इसको मुझे येलो टोन चाहिए, तो मैं यहाँ से ऐसे येलो टोन करूँगा, ओके। अगर और एक मुझे डालना है, तो मैं यहाँ से और एक डाल देता हूँ, और इसको है ना जरा डार्क कर देता हूँ, और जो व्हाइट बैलेंस है वो थोड़ा सा ग्रीन कर देता हूँ, अच्छा ठीक है इतना, ओके। अब फिर से मैं इधर झूम पे आता हूँ और झूम करके दिखाता हूँ, तो ये चला जाएगा सब, ओके। और थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नज़र आ रहा है, तो ये कॉन्ट्रास्ट मुझे अभी कम करना पड़ेगा। मुझे किस तरफ से इमेज बन जाती ना अगल अलग अलग इफेक्ट देकर, तभी तो फिर से चेंजेस करना पड़ता है, और अभी लेंस करेक्शन करना बाकी रह गया है इसमें। यहाँ पर है, यहाँ पे क्रोमेटिक ऑपरेशन है, तो ये कुछ भी आया नहीं है, तो भी
यहाँ पे अनेबल प्रोफाइल करेक्शन पर इमेज जो लॉन्ग होती है वो सही हो जाएगी, ये देखिए। ओके, और ये क्रोमेटिक ऑपरेशन है, वो साइड में जो रेड और ग्रीन आ जाता है तो इसमें कुछ है ही नहीं, इसलिए उस पर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये हो गया बेसिक, और इसको थोड़ा सा है ना ब्लैक है तो थोड़ा हाईलाइट कर देते 20 के आसपास। ठीक है, ये हो गई मेरी एक प्रोसेसिंग। मैं दोबारा जाके चेक करता हूँ, इसको सेव भी कर सकता हूँ अगर दूसरा इमेजेस को मुझे यूज़ करना है तो। मैं यहाँ से ऐसे प्रीसेट पे सेव कर सकता हूँ, यहाँ से नाम दे सकते हो। ओके, और मेरा पहला जो प्रीसेट था वो 19 का था, ये ज़्यादा डार्क था। अभी का कंट्रोल झेड। ओके, ओपन इमेज। बाकी की प्रोसेसिंग फोटोशॉप में करते हैं, ये रॉ प्रोसेसिंग में जितना बेसिक करना चाहिए था उतना तो कर लिया, और आगे की जो प्रोसेसिंग है वो फोटोशॉप में करेंगे। उसमें भी सेचुरेशन, ह्यू और लुमिनस। ओके, और जो पिंपल्स है वो मैं हटा के डिलीट एवरेज। ओके, ये पेस्ट उससे हटा दिया, और यहाँ पर अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसको भी डिलीट, कंटेन एवरेज। चलो भाबो, कंटेन एवरेज यहाँ पर थोड़ा सा है, कंटेन एवरेज। मुझे ये भी हटाना है तो मैं इसको भी ऐसे हटा सकता हूँ। कहीं पर डिटेल चले नहीं गई, ब्राइटनेस कंट्रास्ट का माइनस करके देखा तो ठीक है। अब ये बेसिक इमेज बन गई, तो इसके बाद में आपको मैं इसके जो फोटोशॉप के जो सेचुरेशन यू में जो इफेक्ट डाल दिया था वो मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे करते थे। ठीक है, थोड़ा सा लेवल करके दिखाता हूँ मैं इसको, लेवल। जीरो है तो यहाँ से अपना व्हाइट मुझे चाहिए तो मैं व्हाइट यहाँ पर ओके और मुझे सिलेक्ट कलर में जाके येलो सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ से येलो कलर निकाल देता हूँ। ओके, ये येलो निकल गया।
और दूसरे इफेक्ट, ये जो सैचुरेशन है, यहाँ से जैसे कि येलो कलर है, येलो कलर को माइनस करना है तो यहाँ पर येलो कलर सिलेक्ट करना है और लाइटिंग है इसका कम करना है। ठीक है, येलो कलर माइनस हो गया। और दूसरा ग्रीन कलर है तो ग्रीन पकड़ के इसको भी माइनस कर दिया। और कौन सा रह गया, ग्रीन, इसको भी थोड़ा सा। ओके, और फिर से ग्रीन को जरा ऐसे होता है। तो ऐसे ही फोटोग्राफी और फोटोशॉप सीखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, बस थैंक यू। वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर करना।